ये वाली टाइल जो है ना ये सिलेक्ट की थी वाइट फ्रंट पे। ये अभी मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो भी बिल्कुल एंड हो गई। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके माल जान में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जी। आज हम आपको जिस मस्जिद में लेके जाएंगे वो मस्जिद बेसिकली एक गांव में है, देहात में है। तो उधर हम जो है सारा आज टाइल वर्क इंशाल्लाह उसके वजू खाने में करेंगे। तो आज मेरे साथ जो हसन भाई हैं वो तो है नहीं है, मैं अकेला और मिस्त्री साहब के साथ आया हूँ अदील भाई के पास। तो अब हम आपको चेक करवाते हैं कि हमने कौन से टाइल लेने हैं। ये कुछ टाइल्स हैं जी सामने। तो वैसे बाय द वे हम तो सेलेक्ट करके कल चले गए थे रात को। तो ये वाली टाइल जो है ना ये सेलेक्ट की थी वाइट फ्रंट पे, और इसकी जो ब्राउन है वो उनके गोदाम में से आनी है। तो मैंने कहा चलें ये है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइल का भी ओवरव्यू दे दूं। तो अभी जो है वो इनके गोदाम से उठाने गए हैं भाई टाइल, और फिर जो है हम इधर से टाइल इनसे पैक करवाएँगे। टाइल पैक करवाने के बाद फिर हम आपको ले के जाएंगे उसी मस्जिद में जहाँ पे हमारी वर्किंग होनी है। ये मिस्त्री साहब हमारे साथ साथ हैं, उन्होंने भी जो अपना सामान वगैरह परचेज़ करना था उन्होंने कर लिया है। तो अदील भाई को आज हमने सुबह सुबह उठाया है वैसे तो वो जल्दी आ जाते हैं। तो बस वो टाइल इनकी गोदाम से आ रही है, जैसे ही टाइल आती है तो हम उसको ले के जाएँगे उसी मस्जिद में, और आपको वीडियो के साथ साथ बताएँगे कि क्या क्या वर्किंग वहाँ पर हो रही है। ले जी, लोड हो के तो सारी टाइल इधर पहुंच गई है, बाकी भी जो हमने सामान लेना था वो भी हमने ले लिया था। तो ये सारा सामान है, ये सारी टाइल जो है वो बेस की टाइल है आगे वाली, और ये वॉल की है, ये कुछ पेंट्स वगैरह हैं, बॉन्डिंग वगैरह है, और ये सारे का सारा मटेरियल है। अभी हम ले के जाएँगे आपको उसी मस्जिद में, और आपको फिर दिखाते हैं उस मस्जिद की भी हालत। चलें भाई जान, चले जी चलते हैं। चले जी, माशाल्लाह हमारा जो सामान है तो मस्जिद में पहुंच गया है, अब इसकी अनलोडिंग हो रही है और थोड़ी देर के बाद जो है इसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये माशाल्लाह सामने मस्जिद है, और ये सारा सामान था, ये आप देख रहे हैं ये सारा बॉन्ड शांड है, और ये टाइल है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी कि ये टाइल हमने सेलेक्ट की है, ये इंशाल्लाह इसके फ्रंट पे लगेगी। अगर मैं आपको अंदर ले के जाऊँ मस्जिद में तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक गार्डन सा बना हुआ है। तो ये मस्जिद का है जी माशाल्लाह सेन, ये सेन है, ये इसका वजू खाना है जी। यहाँ पर इंशाल्लाह आज हमने वर्किंग करनी है, ये आप देखें इस जगह पे सारा जो है इसका वो पेंट वगैरह हम लगाएंगे इसके ऊपर, और ये जो जगह है बैठने की यहाँ पे भी टाइल लगेगी, इसके फ्रंट पे भी सारी टाइल लगेगी, और ये आप सेंटर में ब्लॉक देख रहे हैं तो इन ब्लॉक्स में हमने मार्बल लगाना है, और ये इसकी प्रेजेंट हालत है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर करे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में डोनेट किया। तो ये वर्किंग सारी आपके सामने आई है, आप देखें कि सारे का सारा जो मटेरियल है वो मस्जिद में पहुंच गया है, और आज इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करके जाएंगे।
इसका जो प्लास्टर था वो प्रॉपर नहीं हुआ हुआ था, जिस वजह से मिस्त्री साहब को बहुत ज़्यादा दुश्वारी करनी पड़ी, और ये सारे का सारा जो है इसका लेवल बरकरार रखने के लिए उन्होंने इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ था, ताकि इसका जो लेवल था टाइल प्रॉपर बैठ नहीं रही थी, इस वजह से इसको रिमूव किया है। आप ये नीचे देखें कि सारे का सारा ऊपर से इन्होंने इसको साफ़ किया है, ताकि जो टाइल है वो प्रॉपर बैलेंस के साथ इक्वल आए। ये आप देखें कि बहुत मुश्किल के साथ इसको सारा रिमूव किया है, और ये हमारे मिस्त्री साहब। यार व्लॉग थोड़ा लंबा होता है, तो कांडी आप लाजमी लास्ट तक वीडियो देखा करें। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उसमें ये होता है कि हार्डली एक बंदा 2 से 3 मिनट की वीडियो देखता है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखा करें, व्लॉग को फुल देखा करें। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत के साथ हम लोग वर्किंग करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो भी सिर्फ जस्ट नहीं देखते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे हम बहुत अफसरुदा होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखा करें। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट है, तो हाफ ऑलमोस्ट इसका काम जो है ये कंप्लीट हो गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूं, तो ये जो नीचे बेस है इसके ऊपर मैट ब्राउन टाइल जो है ये इस जगह पे लगेगी, और सामने इसके ऊपर सारा वाइट वॉश हो जाएगा, ये पेंट हो जाएंगे इसके पाइप्स वगैरह। वीडियो को आप लाजमी लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी शॉट जो है उसको आप मिस ना कर पाएँ। गर्मी का ख्याल रखते हुए हमने अपने मिस्त्री साहब को पंखा लगा के दिया है, ताकि उनको गर्मी ना लगे। आसम भाई आए हैं हमें मिलने के लिए स्पेशल। आसम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच आसम भाई, आमीन आमीन। तो ये आसम भाई हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो वीडियो ये बहुत इन्जॉय करते हैं। तो स्पेशली इन्होंने आज कहा है कि मैं ऑन द स्पॉट आपकी वर्किंग देखने आऊँगा, तो ये इनकी मोहब्बत है।
जी सीन कुछ यूँ है कि अभी मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो भी बिल्कुल एंड हो गई है और टाइम भी तकरीबन मगरिब को आने वाला है। तो सुबह के हम लोग आए हुए थे, तो अब मैं आपको ले के जाता हूँ अंदर। और बताना ये है कि अंदर लाइट भी कम है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल लो हो गई है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट आपको अंदर विज़िट करवा के इसके बाद जो है मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। कल मॉर्निंग में हम लोग आएँगे, बाकी इसका जो क्लिनिंग का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह फिर हम अगेन कंटिन्यू करेंगे। तो आपने बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ये आप देखें, ऑलमोस्ट इसकी जो फ्रंट वॉल है वो फाइनल हो गई है और ये जो है नीचे इसकी बेस जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। बस इसका फाइनल जो है वो ये एक, मतलब आप कह लें कि एक स्टेप रह गया है और मगरिब भी होने वाली है। तो मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक तो बैटरी नहीं है और सेकंड ये है कि लाइट भी बिल्कुल कम हो गई है। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कैसा लगा बच्चों आप लोगों को देख के? अच्छा लगा है? थोड़ा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा है? प्यारी लग रही है मस्जिद ना? चल अब आपने दुआ करनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने डोनेट किया, ठीक है? चलें, दुआ भी होगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह और फिर हम नेक्स्ट जो है इसका वाइट वॉश वगैरह जो है वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक नेक्स्ट डे के साथ अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे मस्जिद में। तो अभी बस उसकी जो कल जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था तो वहाँ से नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। तो ये हमारे मिस्त्री साहब भी पहुँच गए हैं, हसन भाई बस अभी पहुँचने वाले हैं। तो ये इसका जो टाइल वर्क था ये कल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। अभी इसका जो फिलिंग का प्रोसेस है वो ये है कि वो अभी हम करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर वाइट वाश वगैरह करेंगे। तो बताने का मकसद ये था कि आज हम जो है एक नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ पहुँचे हैं यहाँ पर, तो बस जल्दी हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। ले जी, जो वाइट फिलिंग थी वो तो हो गई है कंप्लीट। अब सीन ये है कि अब ब्राउन टाइल है तो ब्राउन ही फिलिंग होगी और हसन भाई भी बस पहुंचने वाले हैं, मेरा ख्याल है कि वो पहुंच गए हैं। लें जी आ गए हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे हैं? ठीक ठाक। पहुंच गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सामान वगैरह ले लिया आपने? जी भाई, थोड़ा सामान रह गया था। चलें जी, हसन भाई को मैंने कॉल की थी कि थोड़ा सा सामान रह गया था, मैं और मिस्त्री हम आ गए थे। इसके ऊपर हम सारे का सारा ये जो प्लास्टिक शीट है हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो जो भी हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल गिरेगा उससे टाइल हमारी सेव रहेंगी। फिर इसके बाद फाइनल हम इसको रिमूव कर देंगे और इसको वॉश कर देंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप सब के साथ, आप खुद भी व्लॉग देखा करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपके मेंबर्स हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उनको भी इस ब्लॉग का या हमारे चैनल का लिंक शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों तक भी हमारी वीडियो जा सके और वो लोग भी देख सकें
और सपोर्ट कर सकें जैसे आप लोग सब करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के। तो माजरत के साथ हम कमेंट में आपका जवाब नहीं दे सकते, तो क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जस्ट हम रीड करते हैं तो वन बाय वन जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को जवाब देना। तो थैंक यू सो मच जो जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके माल जान में बरकत डाले। और इसी तरह हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमारे जिस्म में जान है। क्यों हसन भाई जी, बिल्कुल ऐसी बात है ना। तो इसी वजह से यही बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा इंस्पायर हो सकें, और हम चाहते हैं कि हम अपनी वर्किंग में मज़ीद जो बेहतर से बेहतर क्वालिटी हो, बेहतर से बेहतर आइडियाज़ हों, तो आप भी हमारे साथ शेयर किया करें। तो हम हमारा मंशूर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा और एक क्वालिटी वर्क जो है ना वो हम प्रोवाइड करें, ताकि ये है कि एक इस्लामिक काम भी है और जितने लोग भी देखते हैं इंस्पायर भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आप साथ साथ ब्लॉग को कंप्लीट देखें, और लास्ट पे आपने बताना है कि आपको ये मस्जिद कैसी लगी है, इसकी वर्किंग कैसी लगी है, कि बिफ़ोर इसकी हालत कैसी थी, और फाइनल जो लुक है वो आपको कैसी लगी है। लेंजे हमारा टाइल वर्क तो मुकम्मल हो गया, अब इसकी जो पेंटिंग का काम है वो स्टार्ट हो गया। ये नीचे हमने कुछ प्लास्टिक शीट बिछा दी है, इससे होगा क्या कि जो ऊपर से अगर कोई मटेरियल गिरता भी है तो वो ताकि टाइल जो है वो उनके ऊपर दाग वगैरह ना लगे, गंदी ना हो। तो इससे ये है कि हमारी जो वर्किंग है वो भी थोड़ी ईजी हो जाएगी, और जो दाग वगैरह हैं वो भी नहीं लगेंगे, और बाद में हम इसको आराम से रिमूव कर देंगे।